वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं ट्राई करने वाली हूँ MTR का न्यू मसाला रवा इडली। जी हाँ, ये मसाला रवा इडली है। मैं पहले से ये MTR रवा इडली ट्राई करते आ रही हूँ, अच्छी होती है, लेकिन अब मैं मसाला रवा इडली ट्राई करके देखने वाली हूँ कि किस तरह का इसका टेस्ट आता है, और हस्बैंड को खिलाने वाली हूँ, उनसे राय पूछूंगी कि आपको ये कैसा लगा। और ये MTR रवा इडली से ज़्यादा अच्छी है या कम अच्छी है, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। इसे लेना कितना वर्थफुल है और इसे बनाना कितना अच्छा आपको लगेगा, सब पता चल जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ साथ इसकी रेसिपीज़ भी देखते जाइए, सांभर की भी रेसिपी में किस तरह से एकदम झटपट वाला सांभर बनाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग एक कप जितना ये मसाला रवा इडली का मिक्सचर मैंने यहाँ पे लिया है, एक कप से ज़्यादा ही, बल्कि दो कप जैसा ले लिया है। और अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ ये दही। तो जितना मैंने दो कप मिक्सचर लिया तो एक कप जितना दही ले लूँगी। आप ध्यान से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा जितना क्वांटिटी आपका ये रवा इडली मिक्सचर का रहेगा उसका हाफ आपको दही लेना है। तो मैंने दो कप लिया तो मैंने एक कप दही इसमें मिक्स की है। तो इसे मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर दूंगी। फिलहाल तो इसे तो कुछ देर छोड़ देना है, मैं इसे 15 से 20 मिनट इसी तरह से दही के और पानी के मिक्सचर में इसे छोड़ दूंगी। देखिए मैंने इसे हटा दिया है और मैंने ये वाला जो रवा इडली का बैटर है वो भी तैयार कर रख के रखा है, और मसाला रवा इडली दोनों का बैटर मैंने तैयार करके रख दिया। अब बनाने वाली हूँ झटपट सा वाला सांभर जो कि बहुत टेस्टी बनता है। मैंने अरहर की दाल और मसूर की दाल, मतलब दो मुट्ठी अरहर लिया है तो एक मुट्ठी मसूर लिया है। उसमें मैंने पानी, हल्दी, थोड़ा सा तेल और कुछ सब्जियां जैसे कि कद्दू, गाजर, मूली, ये सारी सब्जियां इसमें मैंने कट करके डाल दी, थोड़ी सी सब्जी, ज़्यादा नहीं। और इसे मैंने दाल से नॉर्मली पकता, आप उसे चढ़ा दें, आपको कुछ ज़्यादा भी नहीं करना है। यहाँ पर ये इडली स्टैंड है, ये बहुत अच्छा इडली स्टैंड है। अगर आपको इस तरह का चाहिए तो मैं इस इडली स्टैंड का, इससे रिलेटेड वाले इडली स्टैंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं इडली स्टैंड को ग्रीस कर ले रही हूँ ताकि मैं इडली इसमें जब डालूँ और जब वो पक जाए और निकालूँ तो ईजिली वो निकल जाए। तो हल्का सा मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें डाला और इसे अच्छे से ग्रीसिंग इसकी हो जा रही है। और लगभग 20 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि जो भी दही, पानी और ये जो सूजी, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। वहाँ पे सांभर जो कुकर में बन रहा है वो जो है सीटी ले लिया है, तो इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और उधर उधर सांभर भी पक रहा है और इधर इडली भी रेडी हो जाएगी, बिल्कुल झटपट ये बन जाता है। अगर आप सर्दियों के टाइम में ना घर पे झटपट बनाना चाह रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। तो इसे मैं टैप कर ले रही हूँ ताकि इडली जो है वो इवन हो जाए, इडली का बैटर इसके अंदर। तो मैंने दोनों स्टैंड में भर लिया है और ये दोनों ही इसके अंदर जा रहा है, और विद इन 10 मिनट्स ये इडली स्टैंड में बन जाता है। आप टाइम देख लें, बस 10 मिनट में ये बन जाता है अगर आपको पहली बार बना रहे हो तो। अब यहाँ पे मैं ये देख लेती हूँ दाल पका या नहीं, सब्ज़ी गली या नहीं। तो ये बिल्कुल गल सी गई है, मतलब अभी थोड़ा सा पकना बाकी है इसका, लेकिन मैंने इसे खोल दिया क्योंकि इसे मुझे मिलाना है गुड़, इमली और कैच का सांभर मसाला। इतनी चीज़ आप डाल देना, चटपट भी ये बन जाती है, बहुत टेस्टी सांभर मुझे लगता है ये वाला। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इसे बना के रख लूँ और चावल के साथ खा लूँ, मुझे इतना पसंद पड़ता है ये। तो मैंने इसमें गुड़ और इमली डालूंगी और सांभर का ये कैच का मसाला डाल लो, बहुत अच्छा होता है। जो भी आपको एवरेस्ट का भी ये सांभर मसाला अच्छा होता है, मैंने अभी फ़िलहाल कैच का मंगा रखा है, कैच का भी अच्छा होता है। थोड़ा सा और पानी डाला और इसे मैंने सीटी, 2-3 सीटी डाल दूंगी और धीमा कर दूंगी थोड़ा देर, तो ये सांभर बन जाएगा। इडली भी रेडी हो चुकी है, आपने देखा। और यहाँ पे मैंने तड़का, सांभर का तड़का का तैयारी कर लिया है कि मुझे तड़के में क्या क्या डालना है। प्याज है, जीरा है, मेथी है, सरसों है, खड़ा लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, और प्याज और हींग है। इतनी सारी चीज़ मैंने यहाँ पे रखी। कड़ी पत्ता हो तो ज़रूर डाल दें, मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तेज पत्ता का इस्तेमाल किया है लेकिन टेस्ट औसम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, इडली भी हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसे निकाल कर रख दूंगी थोड़ा देर, ताकि ये चम्मच से मैं जब इसे निकालूँ इडली को इडली स्टैंड से, तो वो ईजिली निकल पाए, है ना। आप तुरंत गरम गरम में निकालने लगोगे वही टूट जाता है। थोड़ा देर मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पर सरसों का जो तेल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, और सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज, क्योंकि प्याज पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है ना, तो मैं इसमें प्याज पहले डाल ले रही हूँ। और उसके बाद जो भी सामान हो ना सब एक साथ भी डाल दो, या पहले या आगे पीछे कुछ भी कर लो, एक साथ डाल दो। जो चीज़ टाइम लेती है ज़्यादा उसको पहले डालना। तो मैंने प्याज डाल दिया है और ये मैं अच्छे से थोड़ा देर तेल में छोड़ दूंगी, और यहाँ पे मैं इडली निकाल लेती हूँ। बस इस तरह से आपको चम्मच घुमाना है, और ये इडली ऐसे झटपट निकलती है ना, मज़ा आ जाता है इडली निकालने में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, आपको भी देख के मज़ा आएगा। अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो।
ठीक है, तो यहाँ पे प्याज थोड़ा सा पक गया है और जितनी बची हुई तड़के की चीज़ें थी मैंने इसमें डाल दी, हींग डाल दी है, और धीमी आंच पे मैं इसे छोड़ दूंगी पकने के लिए, और बचा हुआ जो इडली जो था ना उसे मैं निकाल लूंगी फटाफट। इडली तू निकल जा, भूख कसके लगी हुई थी, मतलब जब बना रही थी ना कसके भूख लगी हुई थी, और स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी मन कर रहा था कि खाते चले जाऊँ। और इडली सांभर डोसा ये सब ना बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है। साउथ इंडिया का जो भी फूड आता है, पोलियोग्रे राइस जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, बिस्सी बेल बात वो भी बहुत अच्छी होती है, मज़ा आता है खाकर। तो यहाँ पर सांभर जो है वो मैंने फिर से खोल कर देखा है, और अच्छे से मैं इसे घोट लूँगी, घोट लूँ मतलब मिक्स कर लूँगी ताकि सब चीज़ एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और आपको जितना पतला रखना है उसमें पानी ऐड कर लें, नमक टेस्ट चख लें, ज़्यादा कम जो भी लगे, और उससे के बाद आप इसमें तड़का मार दें। जो टेस्ट आता है ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो वो रवा इडली वाला बैटर जो था ना उसका जो वाइट वाइट इडली भी रेडी हो गया, तो यहाँ पे एक वाइट इडली मैंने रखी है, बाकी सारी मसाला इडली है और हस्बैंड को जाके देने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर चटनी भूल गई थी, पहले हस्बैंड से पूछ लूँ कैसा लगा। अच्छा लगा उन्हें, फ़ोन पे बात भी कर रहे थे इसलिए मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई, लेकिन उन्होंने अपना थंब शो करके दिखाया कि अच्छा है, खा सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। तो ये मसाला इडली भी बहुत अच्छा लगा, रवा इडली तो मुझे फेवरेट थी ही, और ये भी अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूँ रहमत दिल्ली से, टिल देन अल्लाह।